मैंने 2 जून को एक वीडियो में जस्टिस बाबर सत्तार को कोट करते हुए कहा था कि ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है। और पहले दिन पे ही जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल उठाया जो शायद काजी फायजी साहब भी अपने गुस्से में भूल गए, जो सवाल सुप्रीम कोर्ट तक ने भी नहीं पूछा, ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है, ये ऑडियो कानूनी हिसाब से रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, ये ऑडियो लीक्स की जिम्मेदारी कौन सी एजेंसी लेने को तैयार है। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से कोर्ट में पेश किए गए जवाब में बताया कि फेयर ट्रायल एक्ट 2013 के मुताबिक हुकूमत को कानूनी इख्तियार हासिल है कि वो फ़ोन कॉल्स को टेप करे। जब हमने फेयर ट्रायल एक्ट 2013 को पढ़ा तो उसके चैप्टर 3 में लिखा हुआ था कि सर्विलेंस करने के लिए जज की तरफ से एक वारंट जारी करना लाजमी है। 20वें ग्रेड के अफसर, चाहे वो किसी खुफिया एजेंसी का हो या पुलिस का, वो जज को एप्लीकेशन देगा और उसके बाद जज वारंट निकालेगा। उसके बाद ही एविडेंस हासिल करने के लिए सर्विलेंस या कम्युनिकेशन में इंटरसेप्शन की जा सकती है। लेकिन इस पूरे एक्ट में ऑडियो लीक करने का कोई जवाब नहीं, उल्टा अनऑथराइज सर्विलेंस और इंटरसेप्शन पे 3 साल की सज़ा है। अब अगर ये ऑडियो लीक्स किसी प्रोसेस के थ्रू हुई हैं और हाल ही में ऑडियो लीक्स ना सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस या उनके बेटे की लीक हुई है, ऑडियो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भी लीक हुई है और एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो सवाल यह है कि किस जज ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और एक सिटिंग जज के इंटरसेप्शन के वारंट्स इशू किए थे।